हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाने वाले हैं पुलाव, जो अपने आप में ही एक कंप्लीट मील है, स्पेशली जब वो हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के साथ बना हो। तो आज हम ऐसे ही एक हेल्दी इंग्रेडिएंट का यूज़ करके बनाने वाले हैं, वेट सोया पुलाव। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। वेट सोया पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम सोयाबीन को बॉईल करेंगे। उसके लिए हम लेंगे एक पैन, इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक, देन पानी को थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। यहाँ पे पानी बॉईल हो चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप सोया चंक्स। सोया चंक्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। देन इसको हम 5 to 7 मिनट्स तक अच्छे से बॉईल करेंगे। यहाँ पे सोया चंक्स अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब इस स्टेज में हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको पानी में ही 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसे स्क्वीज कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। उसके लिए लेंगे हम एक पैन या कढ़ाई, उसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल एंड 2 टेबलस्पून घी। घी की जगह आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा गरम होने देंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले 4 से 5 लौंग, देन 3 से 4 इलायची, 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 साबित काली मिर्च, देन 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, देन 1 तेज पत्ता। इसको भी हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा। इसको भी 1 मिनट तक भून लेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। मैंने यहाँ 3 से 4 प्याज का यूज़ किया है, जिसको मैंने ऐसे स्लाइसली कट कर लिया है। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनेंगे। प्याज यहाँ पे हमारा ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, जिसको मैंने ऐसे स्लिट्स में कट कर लिया था। 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पे प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें हम ऐड करेंगे बाकी के वेजिटेबल्स। सबसे पहले 2 आलू, जिसको मैंने ऐसे छोटा छोटा कट कर लिया था, देन 1 गाजर, 1/2 कप मटर, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसमें सब्जियां आप अपने चॉइस की ऐड कर सकते हैं। देन 2 टमाटर, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया था। देन टमाटर ऐड करते ही तुरंत डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच धनिया पाउडर। मसालों की क्वांटिटी आप इसमें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपनी बॉईल की हुई सोया चंक्स, ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इस मसाले को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, ताकि सोयाबीन में मसालों का फ्लेवर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे राइस, मैंने यहाँ 1.5 कप राइस लिया है, जिसको मैंने 1/2 घंटे पहले ही भिगा के रखा था। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। मैंने यहाँ 1.5 कप चावल का यूज़ किया है, तो उसके हिसाब से मैं 3 कप पानी ऐड कर रही हूँ। बेसिकली हमें 2 गुना पानी ऐड करना है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही रखिएगा।
इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देन लिड से कवर करके इसे पकने देंगे। तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी नहीं सूख जाता। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो सिर्फ इसे एक विसल तक ही पकाएगा। अब हम एक बार लिड हटाकर चेक करते हैं, इसका पानी काफ़ी हद तक सूख चुका है। इसे हम 5 मिनट के लिए और पकाएंगे, देन गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। देन मेक श्योर सर्व करने से पहले आप इसे 10 मिनट का रेस्ट ज़रूर दें। अब 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, लिड हटाकर दोबारा चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा पुलाव एकदम रेडी है, ये देखिए। चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। अब यहाँ पे गार्निशिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा धनिया और कुछ पुदीने के पत्ते। अब मैंने इसे हरी चटनी और प्लेन रायते के साथ सर्व किया है। नाउ इट्स रेडी टू ईट। आई होप आपको ये वेज सोया पुलाव की आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, देन मुझे कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच।